मार्शल आर्ट सीखना जरूरी है, नशा से दूर रहना चाहिए। नशा ऐसी चीज है, कोई भी नशा, ड्रिंक हो नशा हो, नहीं करना चाहिए। मार्शल आर्ट मध्य कुंफू है, कराटे भी है, जूडो भी है, शाओलिन भी है, लेकिन कुंफू मांगने से नहीं सीखो। बहुत जरूरी है कुंफू का टीचर। कुंफू से क्या होता है, आपको क्या खाना है, कब उठना है। वन मैन आर जो टाइगर सीख रहा है, वो डिसिप्लिन, टाइगर जो सीख रहा है कुंफू सीख रहा है, ओरिजिनल कुंफू सीखना चाहिए। जैसा फिल्म लाइन में एक ही थे, पुणे दिशा से पहले, बाकी कोई फिल्म लाइन में कुंफू का टीचर नहीं है। अभी शिमला ठाकरे का छोटा वाला लड़का सीख रहा है, हमारे शिमला वाले का ऐसा हो रहा है, वो सारी फिल्म में आ रहा है, वो फुल ट्रेनिंग लिया तो समझ। तो कभी करना हो तो उनको बोलिएगा, सोनू सूद को जो ट्रेनिंग दे रहे हैं हमारे भाई दे रहे हैं, चलिए दे दो घोड़े वाला थोड़ा हम करा मेरा साहब ठाकरे हिमला भी मेरे साथ अभी लाऊंगा। अभिनंदन आपकी सुपारिश हो दादा है हमारे, एक मिनट बोलता हूँ करते योगिता जी को फिल्म के लिए और क्या कहना चाहेंगे, निर्माता भी हैं और अभिनेत्री भी हैं। योगिता राठौड़ आज उनके फिल्म का मुहूर्त यहाँ पर वो कर रहे हैं, उनके उनका जो बैनर है उसका ओपनिंग यहाँ पर होने वाला है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। योगिता जी प्रोड्यूसर है, अमन खान जी डायरेक्टर है, और इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके पूरी करियर को और उनकी पूरी टीम को हमारी तरफ से, और मुंबई में और महाराष्ट्र में फिल्म इंडस्ट्री में हमारे साथ जुड़े हुए 40-45 हज़ार वर्कर्स की तरफ से मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और एक यशस्वी अच्छी फिल्म वो बनाए ऐसी मेरी शुभकामनाएँ उनको देता हूँ। तो सर काफ़ी सहयोग करते हैं आप फिल्म इंडस्ट्री में जुड़े लोगों से, तो क्या कहना चाहेंगे कि आगे चल के क्या आपका विजन है, कि किस तरह से और आप अपना सहयोग दे सकें। निश्चित तौर पर अभी मैं आने के पहले ही संग्राम शिर्के जी यहाँ पर आए हैं, वो भी खुद शिवसेना के यूनियन का नेतृत्व करते हैं, डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन का नेतृत्व करते हैं। हम सब इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और ऐसे उभरते सितारों को, प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को प्रोत्साहित करने का काम हम सब लोगों का है। निश्चित तौर पर योगिता राठौड़ एक नया नाम है इंडस्ट्री में, और आने वाले समय में एक अच्छा स्टार बन के वो लोगों के सामने आएगी, ऐसी वो शुभकामना मैं देता हूँ। और सर जो हुआ राहुल गांधी जी से जुड़े इस फिल्म से, किस तरह का विषय है और क्या किरदार निभाने इस फिल्म में? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम सिकंदर कुरैशी है और मैं मॉडलिंग फील्ड से हूँ, और उसी के थ्रू मेरी मुलाकात हुई थी मिस्टर अमन जी से, जो फिल्म के डायरेक्टर हैं। फिल्म जो है काफ़ी थ्रिलर भी है और रोमांस, एक्शन, कॉमेडी सभी चीज़ें, और बहुत एक यूनिक स्टोरी है जो शायद अभी तक किसी बॉलीवुड फिल्म के अंदर नहीं आई है। जिस तरह की ये फिल्म है, जो इसका क्लाइमेक्स है वो तो मैं अभी रिवील नहीं कर पाऊँगा, बट ये जो इसमें मैंने रोल प्ले किया है वो टू शेड्स की है, एक तो है नेगेटिव और एक पॉजिटिव। नेगेटिव है जिसका नाम है लखा, और जो पॉजिटिव है उसका नेम है लक्की। ये दो कैरेक्टर मैंने प्ले किए हैं इसके अंदर। मेरा नाम आमिर मुश्ताक अली खान है, और मैं भी अमन जी अमन सर से मूवी से पहले करीबन 4-5 महीने पहले मैं मिला था, तो हमारी इस बारे में बात हुई। तो मैं भी एज मॉडलिंग लाइन से हूँ, मैंने काफ़ी शूट्स किए हैं, रैप मॉडलिंग वगैरह की है। उसके बाद इनसे मिला तो सर ने कहा कि मूवी है, इस तरह से उन्होंने स्टोरी पूरी टोटल मुझे बताई कंप्लीट। तो मूवी स्टोरी सुन के मुझे अच्छी भी लगी, और थ्रिलर है, सस्पेंस है। तो उसके बाद सर से हम जुड़े और काफ़ी अच्छा भी लगा, हमारी टीम भी बहुत अच्छी थी, अच्छा एक्सपीरियंस रहा सभी का, और सिकंदर भाई साथ थे अच्छे हैं फिल्म के, जिनका म्यूजिक दिया है मोटी शर्मा ने, और जो योगिता जी है जिसमें मैं लीड किया है, इन्होंने जो एक्ट्रेस का एक ट्राइंगल लव स्टोरी है। तो क्या डेब्यू फिल्म में आपकी ऐसे नो 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 नॉट डेब्यू, मैं सिर्फ 7 मूवीज कर चुका हूँ, और मॉडलिंग में काफ़ी अच्छा, मिस्टर इंडिया, मिस्टर राजस्थान, अभी ग्लैडेक्स में विनर रहा हूँ 2018 में ग्लैडेक्स, और आमिर खान प्रोडक्शन हाउस से फिल्म कर चुका हूँ एज ए लीड विद फैसल खान, इट्स नॉट अ लीड। तो सर आपसे जानते हैं, मैं अपना मॉडल है, कहा जाता है कि जो मॉडल्स होते हैं उतने अच्छे एक्टर नहीं बन पाते हैं, जो अलग अलग ग्रुप और जवान ब्लाइंड और जो नाम, तो क्या कहना चाहेंगे मॉडलिंग और एक्टिंग कितना डिफरेंट है, कितना नहीं? ये डिपेंड करता है एक्चुअली, एक्टिंग इज अ वेरी बिगेस्ट, बहुत बड़ा आर्ट है ये, तो इसको भी इसमें ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। एक बाल जितना फ़र्क होता है, हम एक्टिंग के उस तरफ चले जाए तो हम एक्टिंग में बहुत कुछ सीख सकते हैं और कर सकते हैं।
और अकॉर्डिंग टू मी एक्टर कोई भी बन सकता है, मॉडल नहीं बन सकता। इसके बाद पर्सनैलिटी होगी, हाइट होगी, वही मॉडल बन सकता है। एक्टर कोई भी बन सकता है। सर आपसे चाहूँगा इस फिल्म के बारे में, जो आपके साथ बैठे हैं दोनों, इस फिल्म के जो कैरेक्टर से क्या करना चाहेंगे, क्या क्वालिटी नजर आई जो वेल ग्रूम्ड है, मतलब हैंडसम लुक है, और क्या कैसी क्वालिटी है जो आपने फिल्म को? मेरा नाम अमन खान है, इसमें मैंने फिल्म के अंदर डायरेक्शन किया है, और जैसे मैं राजस्थान से हूँ, बीकानेर से। सिकंदर भाई और आमिर भाई जो हैं राजस्थान से ही हैं, जुड़े हुए हैं, दिल से लगाव है। और फिल्म जो हमने शूट करने से पहले जो ऑडिशन किए तो काफ़ी लोग आए, लेकिन हमने इनमें कुछ खास देखा, कुछ अपनापन भी देखा। टैलेंट के साथ में एक रिलेशन, एक व्यवहार जो होता है सबसे मेन होता है। टैलेंट तो हमने देखा ही है इनमें, लेकिन व्यवहार बहुत ही अच्छा है, और एक्टिंग पार्ट भी बहुत मजबूत है इनका, जो बहुत ही अच्छे से इन्होंने काम किया है। लखा और लक्की के जैसे बताया इन्होंने, एक लखा है, एक लक्की है। तो एक जो नेगेटिव कैरेक्टर है वो है लखा, और लकी है तो लकी से लखा बना कैसे, इसी के अंदर जो है सस्पेंस और थ्रिलर है, मर्डर मिस्ट्री है, पूरा सस्पेंस बना हुआ है। क्लाइमैक्स में पता चलता है कि मर्डर किया किसने है, रिवेंज है पूरा, ऑल अबाउट रिवेंज। तो मेरा जो है पूरा शूट जो किया है मैंने राजस्थान में किया है, और बीकानेर, बीकानेर के आसपास में जयपुर है, उदयपुर है, वो पूरा लोकेशन मैंने जो है वहीं कर लिया है। फिल्म का जो खेल खलास है, इसमें जो लड़कियां हैं, जो हमने गर्ल्स जो है मॉडल जो फिल्म के अंदर एज एन हीरोइन कर रही हैं, वो सर एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। तो वो एक गेम है उनके साथ में, गेम खेलते हैं, गेम के अंदर ही वो दिया हुआ है। तो क्लाइमैक्स में ही समझ में आता है कि खेल का जो है खलास कैसे हुआ है, पूरा ही सस्पेंस बना हुआ है। तो फिल्म देखेंगे आप तो पूरा पता चलेगा आपको कि ये फिल्म का खेल से खेल खलास इसका टाइटल क्यों है, पूरा सस्पेंस बना हुआ है। सारे नए आर्टिस्ट लिए हैं, हीरो इंट्रोड्यूस किए हैं, कौन है, ज़्यादातर तो न्यू आर्टिस्ट को अपन बोल सकते हैं, आज न्यू मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि इन्होंने फिल्म किए हैं, सीरियल किए हैं, ठीक है, इतनी बड़ी फिल्म नहीं की है, इतना बड़ा बहुत बड़ा कोई नाम नहीं हुआ है, तो ऊपर वाले ने चाहो तो वो भी बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये न्यू फेस जो है अभी मार्केट में इतने हाईलाइट नहीं हुए, हम न्यू कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी सीरियल किए, फिल्म किए, बहुत सारे मार्केट में काम कर रहे हैं, एजेंट एक्टर कर रहे हैं, एजेंट मॉडलिंग मॉडल कर रहे हैं, तो ये अच्छा है। योगिता को लॉन्च किया है एक्ट्रेस, उस बारे में कहेंगे कैसे जाए। योगिता जी में भी वही चीज़ है, क्वालिटी है, काम जो मैंने देखा उनका बहुत ही अच्छा काम किया है, और बहुत ही मेहनत की इस फिल्म के अंदर, एज एन लीड के लिए वो सेलेक्ट हुए, बहुत ही अच्छा काम किया है, और म्यूजिक बहुत अच्छा है, म्यूजिक है मोंटी शर्मा जी का, सस्पेंस थ्रिलर जो बना के रखा है फिल्म के अंदर, उनका डायरेक्शन बहुत अच्छा है, थैंक यू। हमको तो फिल्म आने के बाद रिलीजिंग का अनाउंसमेंट अभी करेंगे, रिलीजिंग का हम जो है नेक्स्ट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें पूरा अनाउंस करेंगे, डेट पूरा फाइनल कर देंगे, आपको डेढ़ से दो महीने के अंदर पूरा थिएटर पे फिल्म आपको देखने को मिलेगी। और बहुत स्वागत, जानता हूँ अच्छी तरह, काफ़ी पुराने दोस्त हैं, और फिल्म तो जब रिलीज होगी तब मालूम पड़ता है कि कहाँ से कहाँ पहुँचे, क्योंकि प्रॉब्लम खराब हो जाएगी, सारी पॉजिटिविटी शुरू हो जाएगी। इस फिल्म से आप सबका चेहरा जाना पहचाना हो जाए। थैंक यू सो मच। माई सेल्फ योगिता राठौड़, और मैंने प्रोड्यूस भी किया है एंड एक्ट भी किया है इस मूवी में। प्रोजेक्ट के बारे में अगर मैं बताऊंगी तो सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री है, और आज के यूथ को देखते हुए हम ये कहना चाहेंगे कि इसमें एक मैसेज है, जैसे कि हम जानते हैं कि ड्रग्स एडिक्ट होते जा रहे हैं आजकल के यूथ हैं, तो उनके लिए हमने इसमें एक मैसेज दिया है। बाकी कहानी है, मूवी आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा, थ्रिलर भी है, सस्पेंस भी है, रोमांस भी है, पूरा मसाला मूवी है। तो ये कहना चाहूंगा प्रोड्यूसर भी हैं, एक्टिंग कर रही हैं, कॉर्पोरेट जिम्मेदारी, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से जिम्मेदारी को निभाया और क्या चुनौती आपको फेस करना पड़ा इस दौरान? सर
जब भी कोई काम करते हैं तो चुनौतियाँ तो बहुत होती हैं, तो फेस तो बहुत कुछ करना पड़ा, लेकिन मेरी टीम इतनी मजबूत थी और सब लोगों का साथ था मेरे साथ, तो पता नहीं चला और फट से निकल गए। जी, आपके बारे में जानना चाहूँगा, सर मैं बता देती हूँ कि मैं राजस्थान से हूँ और राजस्थान बीकानेर से, तो स्टार्टिंग मैंने वहीं से किया था। उसके बाद मैंने एजेंट प्रोड्यूसर दूरदर्शन पे सीरियल भी किया है डीडी राजस्थान पे, और पंजाबी मूवी भी की है, हिंदी मूवी भी की है। तो एक स्ट्रगल टाइम तो बहुत ही रहता है, सभी का जैसा रहता है, सभी के जो अनुभव रहते हैं वो मेरा भी रहा है, और सबके साथ और आप लोगों का सहयोग था तो आज मैं हूँ कि मैंने एक मूवी प्रोड्यूस की है, उससे पहले सीरियल किया था, और आगे मैं चाह रही हूँ कि एक बड़ी मूवी और करना चाह रही हूँ। अच्छी जी, मेरे जो मूवी के डायरेक्टर हैं मिस्टर अमन, उनका ये समझ लीजिए कि डायरेक्टर जो रहता है मूवी का पिलर रहता है, तो पिलर के बिना मूवी कुछ भी नहीं थी, तो उसी हिसाब से हमारे डायरेक्टर साहब के बिना मूवी कुछ भी नहीं थी। उन्होंने पूरी मूवी का काम ऐसे संभाला कि मुझे पता भी नहीं चला कि मेरी मूवी के अंदर मुझे कुछ करना है, मुझे सिर्फ एक्ट दिखाई दे रहा था, और सभी आर्टिस्टों से इतना अच्छा एक्ट करवाया है कि मैं बोल नहीं सकती। तो पूरा सहयोग जो हमारे डायरेक्टर साहब का रहा, उसके लिए मैं उनकी आभारी हूँ। थैंक यू, थैंक यू। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो आर्टिस्ट आपके साथ हैं, ये दोनों मॉडलिंग में अच्छा नाम कर चुके हैं, काफ़ी पहचान करके, क्या क्या कहते हैं कि कैसा सहयोग इनसे मिला आपको? जी सर, सर सिकंदर साहब हैं, उन्होंने काम किया है मूवी में, अभी उन्होंने फैसल खान जी के साथ में सेकेंड लीड चिनार मूवी में किया था, और इनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कोऑपरेटिव है, और हंसते खेलते पता भी नहीं चला हमारे प्रोजेक्ट को हमने कब पूरा कर लिया। राइट, right. जो विषय आपने शुरुआत में बताया कि ड्रग्स के बारे में, क्या कहते हैं कितना ज़्यादा जरूरी है कि सामाजिक मुद्दों पर फिल्म बने और आगे चलकर भी दूसरे भी विषय पर बने इसके अलावा भी? सर होता क्या है कि जरूरी नहीं है, सबको एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, लेकिन सामाजिक मुद्दों को अगर उठाते हैं तो उससे ये रहता है कि आजकल का यू, मैंने जो सोचा कि आजकल का यूथ है वो ड्रग्स नशे का आदि होता जा रहा है, तो क्यों ना एंटरटेनमेंट के साथ एक मैसेज अगर उनको मिलता सोशल मैसेज तो मिल जाए लोगों को, बेस्ट रहता है। सर जब मैं वर्क करती हूँ उस टाइम मैं एक्ट्रेस होती हूँ। लड़ाई होती है दोनों में? यस सर, अगर काम के प्रति है सर, जब काम के प्रति होते हैं, अगर वो डायरेक्शन डायरेक्टर के रूप में रहते हैं तो फिर मुझे डरना पड़ता है, और जब मैं प्रोड्यूसर होती हूँ तो फिर इनको डरना पड़ता है। सर मेरा दोनों साइड है उसमें। जी सर, आप क्या क्या शुभकामनाएं देंगे आज सर आपसे? हाँ, मैं रेस्टोरेंट अपने प्रोड्यूसर से आया हूँ, ये हमारे मेंबर है और मैं इनको सपोर्ट करने आया हूँ, पूरी यंग टीम है इनकी, और अच्छा लगता है सब नए यंगस्टर्स का आगे आ रहे हैं, और एक अच्छे कॉज के लिए इनका सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा है, और मैं इनको ऑल द बेस्ट बोलता हूँ, और ये थोड़ी कामयाब हो ये इच्छा रखता हूँ। पहले तो ये था कि सिर्फ जो टॉप आर्टिस्ट थे, जो गिने चुने 10 लोग थे, उनकी फिल्में ज़्यादा चलती थी, लेकिन अभी ये ट्रेंड नया आया है कि नए लोगों के साथ अच्छा सब्जेक्ट, अच्छा टेक ओवर किया है, जो यूथ आ रहा है, सब यूथ भी आगे आ रहे हैं, नया टैलेंट आपके सामने आ रहा है, और एज ए एसोसिएशन हमारे प्रोड्यूसर मेंबर है ये, तो एसोसिएशन जो वेस्ट इंडिया फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन है, हमेशा ये चाहती है कि जो नए लोग आए उनको कोई भी दिक्कत हो किसी भी फील्ड में जो फिल्म से जुड़े, तो हम लोग सब, हमारी टीम उनके साथ है, और इसके लिए खास करके मैं आज इसके लिए आया हूँ कि अगर इनको कोई भी रिलीज़ के टाइम भी इनको कोई मदद चाहिए या गाइडेंस चाहिए तो हमारी पूरी टीम एसोसिएशन इनके साथ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं आपसे चाहूँगा, सर और योगिता दीदी को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे मौका दिया और बहुत ही अच्छा किरदार दिया, जो मुझे खुद को भी करके बहुत मज़ा आया था, अपने राधा माँ और एकता कपूर, बहुत मतलब वो दिन ऐसे निकल गए थे पता नहीं लगा, और इनसे अच्छी बॉन्डिंग है, बस मुझे काम करके बहुत अच्छा लगा और एक अच्छा मैसेज आएगा सबको जो भी मूवी आएगी। नहीं, मैंने इसे पहले फिल्म की है, वो रिलीजिंग हो रही है दिसंबर में, वो भी सस्पेंस मूवी है, वो भी सोशल मीडिया पे ही है, ये मेरी सेकंड है। अच्छा,
आजकल के फिल्मों में चाट मसाला जरूर लगाते हैं, बट इस फिल्म में सब रियलिटी बताई जा रही है। जो सस्पेंस तो मूवी आएगी जब देख लीजिएगा। योगिता जी और अमन जी का अच्छा प्रयास है, इन्होंने हमको याद किया था, हम भी राजस्थान से आ गए इनको बधाई देने के लिए, और हम चाहते हैं कि इनकी ये फिल्म अच्छी चले, खेल कलास, और आगे भी अच्छी प्रयास करते रहें, अच्छी फिल्में बनाते रहें और नए नए लोगों को काम जरूर दें। तो फिल्म का जो शूटिंग हुआ वो भी राजस्थान में हुआ, बीकानेर से संबंध रखते हैं अमन जी, तो क्या कहना चाहेंगे कि कितना जरूरी है राजस्थान जो इतना बड़ा पर्यटन स्थल है वहाँ पे फिल्म का? जब किसी मूवी के अच्छे लोकेशन की जरूरत होती है तो मुझे लगता है राजस्थान जरूर सबको याद आता है, क्योंकि वहाँ डेजर्ट भी है, महल भी है, पानी भी, जो चीज़ चाहिए लोकेशन फिल्म में वो राजस्थान में बहुत अच्छी है, और इन्होंने कम्प्लीट राजस्थान में शूट किया है, जो आपको लोकेशन शानदार देखने को मिलेगी इसमें। Gracias.